बहराइच के फकरपुर के गजाधरपुर स्थित मनकामेश्वर मंदिर पर चल रहे महारुद्र यज्ञ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह हजारों की संख्या में श्रद्धालु यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाने पहुंचे। विद्वान पंडितों के मंत्रों की गूंज दूर दूर तक फैल रही है। बता दें कि संपूर्ण क्षेत्र इस वक्त भक्ति के वातावरण में डूबा हुआ है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यज्ञ में भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। रात में संत विद्वानों की ज्ञानवाणी प्रवचन से गूंज रही है। प्रवचन के लिए यज्ञ स्थल पर विशाल मंच बनाए गए हैं। आयोजन समिति द्वारा यज्ञ के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने खाने पीने की विशेष व्यवस्था की गई है। 5 दिवसीय महायज्ञ के चौथे दिन शनिवार की सुबह हजारों श्रद्धालु मंडप की परिक्रमा कर रहे थे। यज्ञ स्थल पर लोगों के मनोरंजन की हर व्यवस्था की गई है। सुबह से श्रद्धालु यज्ञ मंडप की परिक्रमा को पहुंच रहे हैं और देर रात तक लोगों की भीड़ उमड़ रही है। यज्ञ आयोजन समिति के संरक्षक नान बाबा ने बताया कि यज्ञ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम कितने वर्षों से लगातार चल रहा है, कहां कहां से इसमें संगत आती है? 42 साल चल रहा है। 42 वर्ष से कहां कहां से इसमें लोग आते हैं? पूरे यूपी के हर कोने से और नेपाल से भी लोग आते हैं, यहाँ से महाराष्ट्र तक आते हैं, से गांव से। कितने वर्षों से यज्ञ चल रही लगातार? 42 साल से चल रही है। यहाँ से नहीं, नेपाल से लोग आते हैं, बहुत हर जिले से महिलाएं पुरुष सब लोग आते हैं। 10 दिवसीय यज्ञ होता है कार्यक्रम, जिसमें 24 घंटे 12 घंटे का परिक्रमा भी चलता है। रात में लोग रहते हैं, परमानेंट भंडारा चलता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। सारी व्यवस्था महारुद्र यज्ञ के माध्यम से की जा रही है। पूज्य सतगुरुदेव भगवान रामकिशोर दास जी के सानिध्य में यज्ञ का कार्यक्रम होता है। हनुमानगढ़ी बनारस से संत महात्मा भी यहाँ आते हैं, इनका आशीर्वाद लोगों को प्राप्त होता है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।